आप लोग बार बार कहते हैं राहुल गांधी बोलेंगे तो सामने वालों को पानी पीना पड़ेगा। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि जब पीएम बोलेंगे, आपने उनका अंदाज देखा है कैसे वो टेबल टर्न करते हैं, एक बार फिर पीएम आज बोलेंगे तो पानी का ग्लास किसको रखना चाहिए सामने? देखिए प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं और बहुत अच्छी बात रखते हैं, लेकिन सच्चाई है कि सब देखेंगे कि मणिपुर पर क्या उन राष्ट्रद्रोहियों पर प्रहार करेंगे कि नहीं, क्या चाइना पर प्रहार करेंगे कि नहीं, या सिर्फ विपक्ष पर प्रहार करेंगे। वो जो चीरहरण करने वाले, जो सेना की पत्नी का चीरहरण हुआ, उसके उस पर कोई कार्रवाई के लिए कल बात करें, आज बात करेंगे कि नहीं, क्या अपने मुख्यमंत्री को हटाने की बात करेंगे कि नहीं, देश में किसानों की जो आज हालात है उस पर बात करेंगे कि नहीं, महंगाई का म शब्द बोलेंगे कि नहीं, महिलाओं के अत्याचार पर कोई चर्चा होगी कि नहीं, ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी तो आए दिन बोलते ही रहते हैं और अंधभक्त जो है सिर्फ सुनते ही रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सारे जो इस देश के भाजपा के जो लोग हैं, क्या उनके भी मुंह में दही जम गई है? सिर्फ राहुल गांधी का जो जप लिया हुआ है, देश के वोटर आपको अंधभक्त लग रहे हैं? पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर जैसे मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर काला धन लाने की बात थी, न प्रधानमंत्री जी बोल पाते हैं, न भाजपा के भक्त बोल पाते हैं। ये दुखद है इस देश के लिए, लेकिन देश देख रहा है। मिस्टर शर्मा मुद्दे को भटकाना चाहते हैं मणिपुर पर, ये अविश्वास प्रस्ताव के जीने को छलनी करने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पर अमित शाह कहते हैं कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं हटा। सहयोग करना क्या एकमात्र? जो मुख्यमंत्री नाकाम साबित हुआ, जिसके सामने में पूरी हिंसा हुई, जो नाकाम हुआ, विफल रहा, आप उस पर इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है? मिस्टर शर्मा, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अविश्वास प्रस्ताव जो आया है वो मणिपुर के मुद्दे पर नहीं आया है। अविश्वास प्रस्ताव का गौरव गोगोई की लाइन पढ़िए, उसमें नहीं कहीं लिखा है कि मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव है, उस पे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद पर अविश्वास है, मणिपुर का उल्लेख नहीं। लेकिन कल जो है देश के गृह मंत्री जी ने सारे मुद्दे पर, मणिपुर के एक एक मुद्दे पर, क्या आज की वस्तु स्थिति है, कैसे यह घटनाक्रम हुआ है, इसका इतिहास क्या है, इसके हमें विरासत पे कैसे मिली है, और कांग्रेस का इस पर 70 साल तक रवैया क्या रहा है, ये सारे चीजों का बिंदुवार उन्होंने आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा 2 घंटे 16 मिनट का जो है स्पीच उस सदन के अंदर दिया है और एक एक चीज की स्थिति स्पष्ट की है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे महंगाई पे नहीं बोले, इस पे नहीं, आप पूरा स्पीच उनका उठा के देखिए, हर बिंदुओं पर उन्होंने जवाब दिया और बीरेन्द्र सिंह पर भी जवाब दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि विपक्ष कम से कम उस मुद्दों को समझे और साथ दे और राष्ट्र के प्रति जो है अपनी भक्ति दिखाए। लेकिन एक बात जो अभी आपने फ्लाइंग किस की जो ये चर्चा आई है, मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जो है ये हरकत पहली बार सदन के अंदर नहीं किए, पहले भी वो कभी आंख मार चुके हैं, किसी को गले लगा चुके हैं, ये सड़क छाप जो उनका हरकत है वो निरंतर करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन संसद सड़क नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। ये सड़क छाप हरकतें आप जहां करना चाहे कीजिए, ये कांग्रेस का कल्चर हो सकता है। मेरी आपसे बस गुजारिश है कि शब्दों में आप भी थोड़ी सी गरिमा रखिए, थोड़ी सी गरिमा रखिए शब्दों में, क्योंकि फिर आप बोलेंगे, फिर उधर से भी ऐसे शब्द आएंगे, फिर बोलेंगे हमारे नेता को बोल रहे हैं। मौसमी, हुआ क्या था? क्या आप हमारे दर्शकों को सच्चाई बनाने की स्थिति में है? एक पक्ष कहता है अभद्र इशारा किया, फ्लाइंग किस दिया, एक पक्ष कहता है नहीं किया, भद्र अभद्र हम इनसे नहीं सीखेंगे, महिला सांसदों ने कंप्लेन की है, महिला सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में बोल दिया है कि अभद्र इशारा किया, हुआ क्या था? मौसमी, आपको बता दें कि जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, आपने देखा बहुत शोर शराबा हो रहा था उस वक्त, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, सांसद है, उनसे हाथ मिलाते हुए बाहर जा रहे थे, तब उनका कुछ सामान, कागज या कलम नीचे गिर गया और उसके बाद राहुल गांधी उसको उठाने के लिए उठे, लगातार बीजेपी ट्रेजरी बेंचेस जिनको कहते हैं वहां से तंज आ रहे थे कि अभी खत्म नहीं हुआ, आप कैसे जा रहे हैं, इस तरह की बातें उनका नाम बुला के उनको कहा जा रहा था। तो राहुल गांधी ने जब वो कलम कागज उठाया उसके बाद उन्होंने बीजेपी की ट्रेजरी बेंचेस की तरफ देखा और दो फ्लाइंग किस
उस तरफ दी और उसके बाद वो बाहर चले गए। अंजना, इसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, दो बातें हैं। एक तो राहुल गांधी, लेकिन जो वीडियो दिख रहा है वो वीडियो नहीं है। आप कह रही हैं कि दो फ्लाइंग किस उन्होंने दिए थे बीजेपी के नेताओं की तरफ, सांसदों की तरफ देखकर, लेकिन वो वीडियो नहीं है। वीडियो में ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे, आप उसका मतलब एक तरह से उसको सही ठहरा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वहां पे ये घटना हुई थी, पर जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें तो राहुल गांधी बोल रहे हैं और स्पीकर की तरफ हैं, तो वो वीडियो नहीं है जो वो फ्लाइंग किसके लिए कहा जा रहा है। वीडियो उसके बाद ये घटना हुई है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि एक तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अभी उससे बाहर, मोड से बाहर नहीं आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जब गुलाब उनको दिए जा रहे थे, तो यही एक्शन आपने बार बार देखा अंजना, कि फ्लाइंग किस वो चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, क्राउड को देते रह रहे थे। तो हो सकता है डेजा वो हो, 25 मिनट आपने भारत जोड़ो यात्रा पे बोला और उसी स्टाइल में बोल दिया। क्या ये संसदीय है, ये तो स्पीकर तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस की भी रणनीति इसमें साफ नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी आपको डिफेंड कर रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं था, और यहाँ फ्लाइंग किस इतना ऑफेंसिव क्यों हो गया, क्या गलत हो गया? धीरेन जी, दो लाइन सिर्फ, टाइम कम है। फ्लाइंग किस इतना गलत कैसे हो गया, क्या हो गया? वो कह रहे हैं प्यार का इजहार। भारत और भारत की सभ्यता के लिए निश्चित तौर पर हम लोग इसको गलत मानते हैं, देशवासी भी गलत मानते हैं, लेकिन चूंकि इनका पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा नाता ज्यादा रहा है राहुल जी का, हो सकता है ठीक है आप इसे पश्चिमी सभ्यता से जोड़ रहे हैं। आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है, प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है, सुनिए। राहुल जी क्या क्या किया, सारे सदन देखे हैं, संसद की टीवी में देखा करो। राहुल गांधी जी की जो बात जब रख रहे थे तब टीवी नहीं चल पा रहे थे, राहुल गांधी को ज्यादा भाषण टीवी में नहीं दिखाए गए। उन्होंने क्या कहा, उनका तो वक्तव्य के मूल भूत भाव में यही था कि नफरत छोड़ो और मोहब्बत के सहारे देश को गढ़ो। संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है, वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज दी नंबर वन। नंबर टू, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है, तो बहुत बरसों से दशकों से ये है, इतिहास में यही है, ये तो हम तो नया तो नहीं बना रहे।